Hello friends, this is Akanksha and welcome to Learners Squad. I'm welcoming you all on this YouTube platform. I know बहुत दिनों के बाद हमारा interaction हो रहा है हमारे Learners Squad channel पर, but कुछ busy था मेरा schedule, that's why I was not able to take this class sessions at daily basis. But from now onwards, अब से हम classes regular ही करेंगे. Basically ध्यान mostly ये ध्यान देंगे कि हमारी classes regular हों. और अब हमने भाई कुछ डिमांड्स आई हैं कि क्लास की जो टीचिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंग्लिश लैंग्वेज का बढ़ सके, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो भी ठीक हो सके. तो दैट्स वाई आई हैव थॉट कि हम इसमें भी इंग्लिश वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए आपकी वोकैबुलरी डेवलप करना. सो आई हैव डिसाइडेड कि कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो अब मैं उन्हें भी आपके साथ में डिस्कस करूँगी. नॉट ऑन द डेली बेसिस बट आफ्टर वन और टू डेज, ओके, टेंटेटिव हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज़ आकांक्षा मिश्रा एंड अब आज हम शुरुआत करते हैं. हमने फ्रांसिस बैकन को पढ़ा था, सॉरी एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन, हमने जॉफ्री चौसर को पढ़ा था. जॉफ्री चौसर के ये कंटेम्परेरी थे विलियम लैंगलैंड. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. इनका जो लाइफ है वो थोड़ा सा शॉर्ट ही है, इन्होंने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ किया नहीं था. सो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. यू विल नो अबाउट हिम वेरी वेल. विलियम लैंगलैंड, इनका जो लैटिन नेम है दैट इज़ विलेलिमस डी लैंगलैंड. He was born on 1332 and died in 1386. Is the presumed author of a work of Middle English literature. Okay, Middle English literative works generally known as Pyre's Flowman. He has written an English novel, Pyre's Flowman, that was basically his main source of his knowing of William Langland. Okay. हम विलियम लैंगलैंड को पायर्स फ्लोमैन की वजह से ज़्यादा जानते हैं. आई विल ट्राई दैट आई विल स्टडी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन लेवल को बनाने के लिए अभी हम शुरुआत हिंदी से भी करेंगे. बोथ में रहेंगे आई थिंक, तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा. ओके, वेल ये आइडिया कैसा लगता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा जाए या थोड़ा सा बाइलिंगुअल हुआ जाए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाए और हिंदी को थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम किया जाए. ओके, डिमांड आपकी रहेगी भाई, सजेशन जैसा भी आप देंगे उसी के ऊपर काम किया जाएगा. ओके, सो विलियम लैंगलैंड वाज मोस्टली नोन फॉर हिज बेस्ट वर्क पायर्स फ्लोमैन एंड एलगरी विद अ कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ रिलीजियस थीम्स. इट हैज़ सो मैनी रिलीजियस थीम, इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिलीजियस थीम्स. रिलीजन मीन्स धर्म होता है, आप सब लोग जानते हैं. तो जो उनकी रिलीजियस थीम्स थी पायर्स फ्लोमैन की, दैट्स वाई दिस वर्क वॉज वेरी वेल नोन इन द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर. द पोइम ट्रांसलेटेड द लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉइस्टर इन टू सिम्बल्स एंड इमेजेस दैट कुड बी अंडरस्टूड बाई अ ले मैन. इन दिस इन हिज वर्क देर वॉज सो द लैंग्वेज इन विच ही ट्रांसलेटेड दिस स्टोर दिस हिज वर्क. It was mostly based on the symbols and images. So any man, a layman का मतलब होता है ordinary people. So ordinary people can also understand what is in this work. यानी ordinary people भी इनके work को समझ सकें, इसके लिए इन्होंने language symbols का use किया था and images का use किया था. Like छोटे बच्चों की जो comics की books होती हैं वहाँ पर images भी होती हैं plus वहाँ पर symbols भी होते हैं. द नैरेटर इन पायर्स फ्लोमैन रिसीव्स हिज फर्स्ट विजन वाई स्लीपिंग इन द मेलबर्न हिल्स. हु वॉज द नैरेटर ऑफ दिस पोएम पायर्स फ्लोमैन, ही हैज़ फर्स्ट विजन इन वाइल ही वॉज स्लीपिंग इन मेलबर्न हिल्स बिटवीन हेरेफोर्डशायर एंड वॉर्सेस्टरशायर विच सजेस्ट सम कनेक्शन टू द एरिया. दीज प्लेसेस named Herefordshire and Worcestershire, which suggests some connection to the area. It suggests that there is the name, that is the name of this place. The dialect of the poem is also consistent with this part of the country.
इसकी जो डायलेक्ट्स हैं वो भी इस चीज़ को कनेक्ट करती हैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट जो हैं इस कंट्री के यूज़ किए गए थे, जो प्लोमैन के पायस प्लोमैन के जो नैरेटर हैं उनका जो फर्स्ट विजन जो शुरू होता है हेरेफोर्डशायर एंड वॉर्सेस्टशायर में, यहाँ से पता चलता है कि ये इसी एरिया या फिर इसी कंट्री से के किसी पार्ट से रिलेटेड था। मोस्ट ऑफ व्हाट इज़ बिलीव्ड अबाउट लैंगलैंड हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पायस प्लोमैन। Most of what is believed about Langland has been reconstructed from Pius Plowman. The context of the poem contains a passage in which the narrator describes himself as a loller or idler living in the Cornhill area of London and refers to his wife and child. It also suggests that he was well above average height and made a living reciting prayers for the dead. However, the distinction between allegory and reality in Pius Plowman is blurred, and the entire passage, as Wendy's case observes, is reminiscent of the false confession tradition in medieval literature, also seen in the Confessio Galliae and in Jean de Meun's Roman de la Rose. These names are in French. ये जो भी अभी मैंने नाम यहाँ पर लिए हैं, कन्फेसियो गॉलिए एंड जीन डी म्यून्स रोमन डेला रोज, ये सब फ्रेंच नेम हैं जो पायर्स प्लोमैन के जो भी यहाँ पर नैरेटर हैं इनका जो पैसेज है, नैरेटर ने अपने आप को आइडलर बोला है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन आइडलर हु वॉज लिविंग इन द कॉर्नहिल एरिया ऑफ लंडन, जो कि लंडन के कॉर्नहिल एरिया में रहता है। And refers to his wife and child. वो अपने बीवी और बच्चों के साथ भी रहता है। It also suggests that he was well above average height. Means in this poem, narrator has described everything about his life. His even he described his height. उसने अपनी height को भी describe किया है। And made a living reciting prayers for the dead. और जो भी dead हैं उनके लिए उसने एक poem भी यहाँ पर recite किया है। Okay? देखिए पूरी तरह से इंग्लिश में समझाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश तो लिखा ही हुआ है, आप इंग्लिश समझ सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स, बट थोड़ा सा आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी को मिक्स करके समझाना थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक करने की, तो उसके बारे में भाई सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी ठीक करेंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी ठीक होती जाएगी। मेरा ये मानना है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, द डिटेल्ड एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड रिलीजियस नॉलेज डिस्प्लेड इन द पोएम इंडिकेट्स दैट लैंगलैंड हैड सम कनेक्शन टू द क्लर्जी। यहाँ पे जो पायस प्लोमैन है, यहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं, जो रिलीजियस व्यू हैं, विच रिलीजियस व्यूज डिस्प्लेड इन द पायस प्लोमैन दैट इंडिकेट्स that Langland, William Langland, had some connection to the clergy, but the nature of his relationship is uncertain. It was not certain that which relationship was he built with the clergies. The poem shows no obvious bias towards any particular group or order of churchmen, but is even handed in its anti-clericalism. This makes it difficult to align Langland with any specific order. We cannot describe Langland in any specific order, like he was in connection with clergy or he was connection with dukes or he was an ordinary people. So, but some things, some lines of the poem, Pius Plowman shows that he had a close connection with the clergies. Robert Crowley's 1550 edition of Pius Plowman promoted the idea that Langland was a follower of John Wycliffe. However, this conclusion is challenged by the early Lollard appropriation of the Plowman figure. See, for instance, Pius the Plowman's Cred and the Plowman's Tale. It is true that Langland and Wycliffe shared many concerns. Both questioned the value of indulgence and pilgrimages, promoted the use of the vernacular in preaching, attacked clerical corruption, and even advocated disendowment. But these topics were widely discussed through the late 14th century were not specifically associated with Wycliffe until after the presumed time of Langland's death.
रॉबर्ट क्रॉली का 1550 में एडिशन आया था पायस प्लूमैन, जिसमें उन्होंने प्रमोटेड द आइडिया दैट लैंगलैंड वॉज अ फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ, यानी लैंगलैंड जो थे वो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर थे। बट फिर भी जो प्लोमैन के जो फिगर्स हैं, इसके लिए यहाँ पर सजेशन है कि आप पायस द प्लोमैन क्रैड एंड द प्लोमैन्स टेल, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। इट इज़ ट्रू दैट लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ शेयर्ड मेनी कंसर्न्स, दिस इज़ ट्रू, दे बोथ शेयर्ड मेनी कंसर्न्स, बोथ क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंडलगेंसेस एंड पिलग्रिमेजेस, प्रमोटेड द यूज़ ऑफ द वर्नाक्यूलर इन टीचिंग, अटैक्ड क्लरिकल करप्शन, बट इट वॉज नॉट क्लियर दैट विच रिलेशनशिप वॉज विलियम लैंगलैंड विद वाइक्लिफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था विलियम लैंगलैंड के बारे में। विलियम लैंगलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता हैं, सिर्फ उनका पायस प्लोमैन जो कि उनकी एक पोएम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। विलियम लैंगलैंड के बारे में आपको इतना ही जानना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1330 है, यस आई एम राइट, 1332 टू 1386 है। ये जॉफ्री चौसर के कंटेम्परेरी थे। विलियम वाइक्लिफ के साथ में इनके रिलेशनशिप को माना जाता है। इनकी पोएम है पायस प्लोमैन विच वॉज वेरी फेमस एंड इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस व्यूज़, यहाँ पर मोस्टली रिलीजियस व्यूज़ हैं और इनकी जो पोएम है वो रिलीजियस व्यूज़ को शेयर करती है, जहाँ पर इन्होंने इनका जो क्लर्जी के साथ में एक रिलेशनशिप है उसको दिखाता है कि ही हैड मेंटेन सम रिलेशनशिप विद द क्लर्जी, बट दैट वॉज नॉट सर्टन। सो अकॉर्डिंग टू द नेट एग्जामिनेशन इट विल बी एंड, इससे ज़्यादा विलियम लैंगलैंड के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ पूछा जाता है तो वो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जब लेकर के आऊँगी, एग्जाम्स के थोड़ा सा नज़दीक आने पर ही क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आएगी, तो वहाँ पे आपको अच्छे से और क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप किसी भी नए नोटिफिकेशन से, नई इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।